हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। और मेरी अपनी बाइक आप लोग देख लीजिए कितनी गंदी हो रखी है, जिस पे आज जा रहे हैं भाई एक छोटी सी राइड मारने, जिसमें आपको थोड़ा बहुत व्यू वगैरह दिखाएंगे और पब्लिक में टहलेंगे वो निकलेंगे। तो चलिए विद अकरा पापा एक जोश के साथ अपनी राइड रहेगी, फुल एंजॉय कराएंगे। और ये देख लो, चलाते नहीं बाइक उतनी ज़्यादा ना, तो पेट्रोल वगैरह भी कम है, पहले इसमें पेट्रोल फ्यूल अप कराते हैं फिर चलते हैं। देखना भाई रॉकेट। देखो भाई कैसे उठ रही है यार, एकदम रॉकेट है ना। वैसे अपनी बाइक में तो बता ही रखा हूँ, वीडियो वगैरह डाल चुका हूँ, उठती ना एकदम रॉकेट की जनावर। अब एग्जॉस्ट भी लगा है तो मज़ा ही आता है अलग। ये लो भाई हमारी इधर की पेट्रोल पंप, उस पर हमको पेट्रोल फिल अप कराना है। गाइस पेट्रोल तो पड़ चुका है, और आज आपको बता दूं कि हमारे इंडिया के जो सबसे ज़्यादा मतलब डोनेट वगैरह करते थे रतन टाटा सर, आज जो है उनकी डेथ हो चुकी है। तो बाकी भाई आप लोग तो पता ही होगा आप सबको, और वीडियो है ब्लॉग आज हम शूट कर रहे हैं, बाकी ये अपलोड तो कल ही होगा क्योंकि एडिट वगैरह भी करना है। तो ये गाड़ी वगैरह खड़ी है अपनी, निकलते हैं आगे, एक दोस्त है उसको उठाएँगे सीधा, फिर निकल जाएंगे राइड के लिए और प्यारी सी राइड मारेंगे भाई। इवनिंग टाइम है, मौसम भी अच्छा है, तो ब्लॉग में बने रहिए आप लोग लास्ट तक, मज़ा आएगा आप सबको, कुछ बातें भी करनी है आप सबसे। गाइस ये देखो स्प्लेंडर में एग्जॉस्ट, तो निकल गए भाई, दोस्त को भी ले लिया, पीछे बैठ चुका, और हम अपनी राइड के लिए निकलते हैं। और बताओ भाई सब कैसे हो, यूट्यूब फैमिली, क्योंकि बाइक भाई अलग ही घोड़ा जैसे दौड़ती है, आपको पता ही होना चाहिए। और भाई देखो आप सबको बताऊं कि कुछ सपोर्ट वगैरह करिए यार, थोड़ा सा इतना सा सपोर्ट चाहिए बस आप सबका। ब्लॉग वगैरह देखो चल नहीं रहे हैं, वैसे भी रील्स वो अलग नहीं चल रही हैं, बट फिर भी बनाते हैं यार आप सबके लिए। देखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखोगे फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को तो बनाना है तो बनाना है। बाकी आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और हम अपना काम करते हैं। तो नॉर्मल स्पीड पे चलते हैं, देखो भाई राइडर का मतलब ये नहीं कि भाई उड़ाते ही जाओ उड़ाते जाओ, भाई सब चीज़ देखना है कि देखो अपना अपने आप को भी सेफ रखो, दूसरे को भी सेफ रखो, राइड के मजे लो और आप सबको मजे दिलाओ, यही काम है बस। ये लो गाइस देखेंगे कुछ राइडर पब्लिक रिएक्शन मिलते हैं क्या। देखो 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 देखो, वाह भाई इन्हीं वजह से, इन लोग की वजह से ही एक्सीडेंट होते हैं भाई, ये दल्ले होते हैं दल्ले। क्या ही बोलूं भाई मैं, इनकी वजह से ही सब ये होता है, ना देखते ना कुछ, खुद ना सेफ ना दूसरे को सेफ रखते हैं। देखो ये देखो भाई, जब पूरी मार्केट वगैरह है इधर तो हर कोई जानता है अपने को, बट आप तो समझते ही हो कि जानते हैं बट बोलते नहीं है कोई, किस लिए जलते हैं इसलिए, समझ रहे हो, नाम होगा तो बदनाम तो होंगे ही, तो इसीलिए लोग जलते हैं भाई अपने से। तो भाई अच्छे खासे सपोर्ट में चल रहा है इस टाइम, ये देखो भाई पुलिस, हर तो ही पुलिस भाई, पुलिस क्या कर रही है भाई इतना टाइम।
छोटे मोटे कट तो भाई चलते ही रहते हैं। तो भाई यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, आगे की क्लिप लगाएंगे अब मार्केट से बाहर निकल के, वहाँ की वीडियो शूट करते ही रहेंगे, अगर कोई रिएक्शन वगैरह मिलेगा तो वो आपको बीच में डाल देंगे। तो भाई 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका अभी तक ट्रैफिक से निकल नहीं पाए बाहर, और रही बात रिएक्शन की, भाई कोई देख ही ना रहा है हमको, दादाजी कहाँ देख रहे हो, अब आप रिएक्शन दोगे क्या भाई? बड़ी ट्रैफिक रहती है हमारे साइड, देखो निकल लो निकल लो निकल लो, कैसे निकलो भाई, कब से निकलने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक निकल नहीं पाए। तो भाई आ चुके हैं मार्केट से बाहर, यहीं पे हमने एक वो हमारा था एक जॉस पुलिस रिएक्शन वाला वीडियो डाला था, आपने देखा होगा, अगर पहले से सब्सक्राइब करके रखे हो, नहीं करके रखे हो तो चेक कर लो, ब्लॉग भी पड़ा है, शॉर्ट वीडियो भी पड़ा है। और गाइस अक्सर हम इसी रोड पे क्यों आते हैं भाई, आपको क्या ही बोले यार, तो आप लोग समझ सकते हो, और नॉर्मल ब्लॉग या कहीं जगह मतलब किसी और जगह पे घूमने जाना ये वगैरह क्यों नहीं डालते हो? बात ये है कि भाई उसके लिए होना चाहिए टाइम, थोड़ा सा भी टाइम मिल नहीं रहा है, ऊपर से ये 12th भाई, 12th की टेंशन, 12th जैसे ही होता है भाई वैसे ही फिर नए नए कंटेंट भाई आते रहेंगे, ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊँगा भाई आपने सोची ना होगी सच में। भाई थोड़ा सा नागिन बना दूँ नागिन, भाई बादल देखो, बादल भी बहुत अच्छा रखा। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ भाई, कुछ बातें बातें कर लिया करो यार हमसे भी, वैसे कुछ भी बात कर सकते हो यार। तो बाकी भाई कैसे हो सब, और आप सब क्या कर रहे हो भाई, एक लाइक कर दो यार, और कमेंट ठोक के जाना भाई वीडियो में, इतना तो करके जाना आप लोग भाई, जब हम आप सबके लिए इतना कर सकते हैं, रिस्क लेके स्टंट वगैरह भी मार देते हैं, बट आप लोग एक लाइक और कमेंट नहीं कर सकते हो क्या? करना चाहिए आपको, क्या कर रहा भाई? भाई देखो ये हरे हरे पेड़ों की वजह से एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, मज़ा आता है भाई ऐसी जगह पर घूमने जाने, तो इसीलिए इधर ही आते हैं हमेशा, नेचर को भी देखते रहो और अपना ब्लॉग भी बन जाता है, मज़ा आता है एकदम फुल। और भाई बताओ कौन मेरे को कितने टाइम से सब्सक्राइब करके रखा है, कमेंट में बताओ कितने महीने हो गए हैं, कितने दिन हो चुके हैं मेरे को सब्सक्राइब किए हुए। और भाई साहब थोड़ा सा बचा यार चैनल मोनेटाइज होने को, भाई सपोर्ट अपोर्ट कर दो यार, क्योंकि टाइम भी निकलने वाला है, आप लोग सपोर्ट अपोर्ट कुछ दिखाई नहीं रही हो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो भाई, थोड़ा सा बचाया चैनल मोनेटाइज होने को, वरना तो नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करना पड़ेगा, इस बार निकल जाएगा तो। देखो अर्निंग की अलग बात रही, लेकिन यार आप लोग समझते हो, एक साल से ऊपर हो चुका वीडियो बनाते हैं, जो भी देखता है बोलता है भाई अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ आपको, सब्सक्राइब कर, तो इतने हो चुके हैं सब्सक्राइबर। दूसरी बात यह है कि ये वाला ईयर जाएगा तो नेक्स्ट टाइम भाई ये पूरा वास्ट टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, बस भाई 2 महीने ही बचे हैं यार, आप लोग करवा सकते हो भाई, प्लीज़ सपोर्ट अपोर्ट कर दो यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार, हो जाए चैनल मोनेटाइज। और क्या ही बोले भाई आपसे, बाकी आप लोग बताओ यार ड्रैग रेस वगैरह का ब्लॉग तो नहीं देखना आपको, बोला जाए गाड़ी के साथ ड्रैग रेस करा दें बताओ कमेंट में। तो भाई पेड़ बहुत अच्छे हैं भाई इधर का, मज़ा ही अलग है इधर का, जो पिछले ब्लॉग में आपको लोकेशन दिखाई थी ये रही वही लोकेशन है ये, जो कि भाई फ़ोटो वगैरह लेते हो आप तो बहुत ही अच्छी आती हैं, बहुत प्यारी सी आती हैं फ़ोटोज़, और ये सब बाग वगैरह इधर। बाकी भाई आगे चलेंगे आज थोड़ा सा, ये पूरे रास्ते पे हम स्टंट कर चुके हैं, हर जगह का वीडियो वगैरह पड़ रखा है, आपका भी पड़ा है आपने देखा होगा, इस बाग में पहले बनाते थे इस जगह पे वीडियोस रील्स वगैरह, और इधर भी बनाते थे पहले, इधर सीखने आते थे थोड़ा सा, लेकिन इधर भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ गई रोड पे, तो प्राइवेट रूट चूज़ कर लिया, जो कि हाईवे बन रहा है अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ इसलिए वो चूज़ कर लिया, तो अब उस पर बनाते हैं,
क्योंकि भाई स्टंट वगैरह करने में और सीखने की भाई वही है कि यार गाड़ी वाड़ी आ जाए कोई दिक्कत में पड़ जाओ, तो हमेशा खाली रोड ही चुनते हैं, रील बनानी हो या स्टंट सीखना हो। तो आज इधर ही उतार लेते हैं, इधर थोड़ा बहुत ड्रिफ्टिंग करेंगे फिर भाग जाएंगे घर पे भाई, एक दो रील वगैरह बनाएंगे। तो ये लो भाई, आपको वापस बाइक के वीडियो दिखा देता हूँ। अरे भाई अपनी बाइक, और यार अपना अच्छा सा एकदम नज़ारा। इधर देखो ये गांव है कोई, वो नाम नहीं पता। बाकी गाइस आप लोग बता दो कमेंट में यार नेक्स्ट ब्लॉग किस बाइक के साथ, बाइक यार समझ लो बाइकर से मैं ज़्यादा अभी रिलेटेड, मतलब समझ लो जान पहचान ना बना रखी है। बाकी अगर कोई गाड़ी वगैरह मेरे पास जो भी है उनसे आप लोग बताएंगे कमेंट में, तो मैं उससे ड्रैग रेस लाऊंगा। देखो मेरे पास एक डिजायर है और XUV500 है, उससे करा सकता हूँ। बाकी भाई ऑल्टो वगैरह से भी करा सकता हूँ, और बाइक अपाचे वगैरह तो यही है उससे करा ही चुका हूँ। और अगर इसका माइलेज टेस्ट देखना है एग्जॉस्ट लगने के बाद क्या माइलेज इसकी बची हुई है, तो उसका ब्लॉग ला देंगे अगर आप लोग कमेंट में बताते हैं। बाकी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, प्यार सपोर्ट हमेशा बनाए रखें।